मैंने तो साफ कह दिया है, अगर आज उन्होंने कोई फिक्रेबाजी दिखाई तो उनको नानिया दुला दूंगी। नूर छोड़ ना, वो बदमाश लड़के है, बाद में और तंग करेंगे। और तंग करेंगे तो दादी भी याद दिला दूंगी। तू जरा भी फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तू है इसी बात की तो फिक्र है। देख अभी तो वो लोग सिर्फ हमारे सामने कर्तव्य दिखाते हैं, और अगर तूने उन पर डंडा मार दिया तो। मैं डंडा थोड़ी ना मारूंगी, मैं तो सिर्फ डराऊंगी। लो आ गए नालायक। वो देख वो देख वो देख वो देख। खुद को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र समझते हैं। आ रही है। आने दे यार, चले। लेकिन आज मैं बता दूंगी कि ना तो ये फिल्म है और ना ही हम बसंती। तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार मेरी हार, सुन लो मेरे यार, जान से भी खेलेंगे, ले ले लेंगे। ऐसी थी नूरन नहर फिरदौसी बचपन में। नूर को अपने फैसले खुद लेने की आदत शुरू से ही थी, शायद तब से जब वो स्कूल में थी। वालिद साहब अलीगढ़ के जाने माने डॉक्टर थे, जो फिरोजाबाद से अलीगढ़ आकर बस गए थे। घर में तालीम याफ्ता माहौल पहले से ही मौजूद था, और इसी माहौल की वजह से ही नूर को ऐसे हालात मिले कि वो अपने फैसले ले सके। बावजूद इसके कि नूर के आसपास यानी अलीगढ़ के मोहल्ले अपर कोट का माहौल पढ़ाई के मुताबिक नहीं था, वहां नूर के वालिद साहब को नूर की तालीम के लिए सभी मुफ्त की सलाह देना अपना फर्ज समझते थे। बहरहाल नूर के वालिद खुद तालीम याफ्ता थे, और उन्हें खूब पता था कि उनकी बच्ची के लिए तालीम कितनी जरूरी है। हर बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने नूर को पढ़ाया। जब हम लोग क्लीनिंग जाते थे ट्यूशन पढ़ने, तो एक दो ऐसे लोग थे शॉपकीपर्स, वो पापा को बोलते थे कि डॉक्टर साहब आपने बच्चियां बड़ी हो रही हैं और वो फ्रॉक पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, तो इनको शलवार या पजामा पहनना चाहिए। तो पापा ने कहा कि अभी तो छोटी हैं, अभी से ये एज नहीं है और मुझे मालूम है कि क्या बेहतर है, तो जब होगा तो वो पहनेंगी। जैसे हम नीचे गए कुछ लेने, हमारे घर के नीचे ही बड़ी चाट वगैरह मिलती थी, तो अगर हम जाते थे लेने के लिए तो कहता था बेटा आप ऊपर जाओ, हम घर पे ऊपर भेज देंगे, आप मत आया करो, आप हमें बता दिया करो और ऊपर जाके स्टेज में खड़े हो जाओ, हम वहीं पे पहुंचा देंगे। मैंने अपनी तालीम प्राइमरी स्कूल तक अब्दुल्ला नर्सरी में की, और अब्दुल्ला नर्सरी के बाद हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है गर्ल्स कॉलेज के, गर्ल्स स्कूल के लिए, AMU गर्ल्स कॉलेज स्कूल। तो हम गर्ल्स स्कूल में 10th पास करने के बाद, उसके बाद हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं 11th के लिए, तो फिर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, और इस तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स से। फिर मैंने MA भी इकोनॉमिक्स ही किया, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे लगता था। तो MA के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, मैं खाली बैठना नहीं चाहती थी घर में, तो मैंने लॉ भी फिल कर दिया था। लॉ के लिए मेरा मैं गई और मेरा वो आ गया इंटीमेशन, पास कर लिया। इंटीमेशन आया कि आप आके 2-3 दिन में अपना एडमिशन करा लीजिए। तो जिस दिन मैं जा रही थी, मेरे भाईजन ने कहा बकवास सा कोर्स है, तुम क्यों करना चाहती हो। देखो नूर, अम्मी और अब्बा के इंतकाल के बाद तुम्हारी और तुम्हारे फैसलों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुमने जो कुछ चाहा, जैसा चाहा, मैं हमेशा मान गया, क्योंकि मुझे एतबार था कि मेरी छोटी बहन कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। लेकिन नूर, कभी कोई फैसला गलत भी हो सकता है। लेकिन भाईजान, क्या वकालत करने का फैसला गलत है? अरे नहीं, वकालत करने का फैसला बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पेशा मर्दों का है। अरे अदालत में कैसे कैसे केस आते हैं, चोरी, डकैती, खून खराबा, हत्या, तुम क्या यही सब देखना चाहती हो? लेकिन भाईजान, क्या अदालत में सिर्फ गुंडे, बदमाश यही आते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है, अदालत में इज्जतदार लोग जाते हैं? वकीलों की सोबत गुंडे बदमाशों की होती है। माफ कीजिए भाईजान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वकालत का पेशा किसी का हक दिलाने का जरिया भी हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो किसका हक दिलवाओगे तुम? उनका जो मजलूम है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता,
जरा सोचिए भाईजान, कितने ही बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वकील तक नहीं मिलता और उन्हें सजा भी हो जाती है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उन लोगों को इंसाफ दिलाऊं? तो कैसे इंसाफ दिलाओगी तुम? क्या उनसे फीस नहीं लोगी? कम तो कर ही सकती हूँ ना। देखिए भाईजान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं वकालत के पेशे को बेहतर ढंग से निभा सकती हूँ। बाकी आपका फैसला सर आंखों पर। ठीक है नूर, मैंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचा, तो अगर तुम वकील बनना चाहती हो, वकालत करना चाहती हो, तो यही ठीक है। हालात चाहे जैसे भी हों और जो भी रहे हों, नूर के लिए उसका सन 2000 में लॉ पास कर लेना जैसे राहतों की बारिश थी। लॉ करने के बाद वो अपने बड़े भाई की इजाजत से दिल्ली आई, क्योंकि उसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना था। लेकिन नूर को भी क्या खबर थी कि अब उसके लिए वो गलियां छूट चुकी हैं जहां कभी उसका बचपन बीता था। अब वो दिल्ली की होकर रहने वाली थी। दिल्ली आने से थोड़ा सा ये हुआ, एक तो मैं तो प्लान्ड वे में नहीं आई थी, आई जस्ट केम फॉर माय रजिस्ट्रेशन। कि मैंने भाईजान से बात की कि आप बताइए, मैं रजिस्ट्रेशन तो कराना ही चाहती हूँ, क्योंकि कभी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ तो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो देयर वर टू ऑप्शंस, इधर आई कैन गो टू इलाहाबाद फॉर माय रजिस्ट्रेशन बीइंग अ गर्ल फ्रॉम यूपी एंड हैड डन फ्रॉम मैंने वहाँ से यूपी से किया था, तो इलाहाबाद करा लो जाके रजिस्ट्रेशन या दिल्ली करा लो। तो मैंने फिर उनको कहा कि इलाहाबाद तो हम कभी गए नहीं हैं और मेरे कोई रिलेटिव भी नहीं है इलाहाबाद में, दिल्ली में ये था। मेरी साथ फ्रेंड्स थी, कुछ हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, तो और पास भी है, अलीगढ़ से दिल्ली पास है, इलाहाबाद दूर है, और मैं कभी गई नहीं थी। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि अलीगढ़ से दिल्ली जाना ज़्यादा अच्छा है, आप भी मेरे साथ जा सकते हैं। भाईजान का अपोजिशन कोई नहीं था, बस थोड़ा सा डरते थे कि मम्मी पापा नहीं है, इंतकाल हो गया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि बहनों को भेज दिया। और ये सुना उन्होंने, एक दो लोगों ने बोला भी कि अब ये अपनी बहन को इन्होंने बाहर भेज दिया, अब ये लड़कियों से वो करेंगे। तो भाईजान ने सुना, पर मुझसे कहा भी उन्होंने, देखो तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा लोगों को कहने दीजिए, जो लोग कहते हैं वो अगर हमारे को कभी कोई मुश्किल आएगी तो ये हमारे पास आएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं कि क्या हुआ। मैंने कहा 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहेंगे और यही लोग जो हैं बाद में सब सुकून से जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। नूर के लिए तंज और ताने की परवाह कोई मायने नहीं रखती थी। उसे मालूम था कि इम्तिहान पास करने से कहीं ज्यादा मुश्किल एक अदद नौकरी को पाना होता है। बहरहाल नूर की किस्मत इस मामले में अच्छी थी, क्योंकि उसे दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ काम करने का मौका मिल गया। पर क्या करे और क्या ना करे, नूर इसी कश्मकश में थी। फिर हमने घर पे बात की, हमने कहा भाई हमें सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ऑफर किया और हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। भाईजान ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है देख लेना। लेकिन मैंने जब तक उनके साथ रही, मुझको ये प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने मुझे एग्जैक्टली जो उनको सिखाना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए शहर नया था, प्रोफेशन नया था, तो उन्होंने एज अ लॉयर मुझे कुछ नहीं सिखाया, पता नहीं मेरे पहले बॉस थे, पर उन्होंने मुझे ना मार्केटिंग उसमें डाल दिया कि फलाने बैंक में जाओ, मैनेजर को बात करके आओ कि वो पैनल में हैं और केसेस हमें मार्क करें। तो मैंने वो सब काम बहुत किया, सीपी में कनॉट प्लेस में घूम घूम के, और मुझे रास्ते भी नहीं पता थे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी। और देन उस टाइम मेरे पास पैसे भी कम थे, क्योंकि मैं इस मकसद से तो आई नहीं थी, घर से भी आदमी कितना लेके चलेगा। फिर मेरे वो सारा रजिस्ट्रेशन में खर्च हो गया था। अच्छा, और हम थोड़े वैसे थे कि हम मांगेंगे नहीं, अब हम आ गए तो मांगेंगे नहीं, तो वो बार बार आप बसेस में सफ़र कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा तो ऑटो ले रहे हैं, नया जगह है, नई बातें हैं, कुछ समझ आता नहीं था कौन सा रास्ता किधर जाता है। तो सब मैंने उसी दौरान लर्न किया कि कहाँ से दिल्ली किधर जाना है किधर नहीं जाना, और क्योंकि मैं हर आदमी से पूछ लेती थी कि भैया बताओ ये कहाँ जाना है कैसे जाना है, और कई बार कुछ लोग गलत भी भटका देते थे। हालात हरगिज नूर के मुताबिक नहीं थे, जो उम्मीद थी नजर के सामने कुछ भी वैसा न था। कहाँ तो नूर लोगों को इंसाफ दिलाने का जज्बा मन में समाये बैठी थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि हालात उसे सड़कों की खाक छानने पर
मजबूर कर रहे थे। बड़े भाई से किया वादा और उनकी उम्मीद दोनों डगमगाते नजर आ रहे थे। मैंने तुम्हारी हमेशा हर जिद मानी, लेकिन अब नहीं मानूंगा। अरे ये क्या हुआ, दिल्ली में रहकर दिल्ली की सड़कों की खाक छानती हो? अरे तुमसे एक PIL बनाने के लिए कहा था, तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगे। यही सीख रही हो वकालत? 6 महीने हो गए रहते हुए दिल्ली में, इतना सा भी नहीं सीखा? अभी तो मेरे जिम्मे अपनी सीनियर की मार्केटिंग करना है, है? और फिर उनके लिए क्लाइंट बनाना है। इसके लिए तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है इसके लिए तुम्हें? 2,500 रुपए की तनख्वाह? लेकिन भाईजान धीरे धीरे ही तो सीखूंगी ना। हाँ, मार्केटिंग सीख जाओगी, वकालत नहीं सीख पाओगी। वकील बनने की ख्वाहिश में सड़कों की खाक छानती फिरो? अरे वकील बनना है तो अदालत में बैठो। वो भाईजान अभी एक केस आया हुआ है, अगर कोई बहस नहीं, एक बात भी नहीं सुनूंगा। कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। पहले एक ये PIL बना के दिखाओ, फिर देखते हैं। भाईजान वो क्या है कि अगर इस बार नूरापा को एक मौका मिल जाता जाने का, तो हो सकता है कि वो वकील बन जाए। हाँ, और इस बार तो इसे एक केस भी मिला है, जाते ही लड़ेगी। और अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर इसकी सिफारिश कर रहे हो? ठीक है, तो जाओ दिल्ली जाने की तैयारी करो। भाईजान, और अपने मकसद में कामयाब हो और बन जाओ लफ्जों वाली झांसी की रानी। खैर, हमने वो केस अटेंड करा आके सुबह, और हमने उसी दिन दूसरे एक बॉस हैं जो राइट नाउ आई वॉज उनके साथ में काम करती हूँ, उनको हमने इंटरव्यू दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आज ही से ज्वाइन कर लीजिए। इनिशियली जिस दिन मेरे पास आई, किसी ने रेफर करा था नूर का, मैंने बाय डेटा भी देखा, 1-2 घंटे मैंने डिस्कस भी करा। डिस्कस करने के बाद मेरे को लगा कि लड़की अच्छा चल सकती है, ये ब्राइट है, ये काम में इंटरेस्ट लेगी, और इसकी विल है, पावर, ये चाहती है कि मैं लर्न करूं। तो 2,500 से मैंने स्टार्टिंग की, और उन दिनों मैं वहाँ रहती थी साउथ दिल्ली, हाई कोर्ट आपका कुमार सेंट्रल दिल्ली में है, तो और हमारा ऑफिस था पंचकुइया रोड में। अच्छा, उन दिनों पैसे इतने तो थे नहीं कि आप ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, या आप गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि आप क्या कर सकते हैं। और मेरी हालत वो होती थी कि बस महीने के 12-15 दिन गुजरे, क्योंकि मेरे पास तब तक मैं शुरू हो जाती थी कि मुझे भाई ज़रा 100 रुपये दे दो, कोई 200 रुपये दे दो प्लीज़, और हो और थोड़ी वो थी कि मैं सर से नहीं मांगूंगी। और काम इतना ज़्यादा होता था कि ऑफ सुबह आप आइए ऑफिस, कोर्ट आइए, कोर्ट आने के बाद ख़त्म हो जाए 4 बजे तो ऑफिस जाइए, ऑफिस के बाद भी आप इतना लंबा टाइम कि आप 10 बजे घर पहुँचें, घर पहुँच के फिर आपको बाज़ार जाना है, बाज़ार जाके जो भी ख़रीदना वो ख़रीदिए, ख़रीद के वापस आके बनाइए, तो रोज़ाना 1 बज जाता था। फिर रात को एक ड्रेस भी धोनी पड़ती थी, क्योंकि आप मेरे पास ज़्यादा नहीं थी ड्रेसेस, 3-4 ही ड्रेसेस थी, एक पहन के गए तो दूसरी धो के डाली, अब तक धोने का टाइम भी तो नहीं था, तो रात में कोई एक ड्रेस धुल रही होती थी और सुबह वो प्रेस हो रही होती थी। खैर, उन दिनों काम बहुत किया, बहुत काम किया, खाना खाया नहीं 1.5 साल मैंने, स्टमक मेरा अपसेट हो गया, गैस्ट्रिक रहने लगा, तो मैं बीमार थी तो मेरे वो ट्रिप लगा हुआ था, पर मुझे ये काम याद था कि कुछ फाइलिंग होनी है और बड़ी अर्जेंट फाइलिंग थी, और अगर वो नहीं होगी तो कल केस कैसे लिस्ट होगा। सुबह यास्मीन ने फ़ोन करके मना कर दिया मेरी बॉस को कि वो नहीं आएगी। यास्मीन ऑफिस आ गई, उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, लेकिन हमारे दिमाग पे भूत सवार था, वो करना है और वो नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जब सब ऑफिस चले गए अपने, मैंने वो निकाली और हाई कोर्ट पहुँच गई मैं 2-1.5 बजे, और पूछ रही थी फाइलिंग काउंटर पर कि क्या हुआ, तो बॉस ने देखा नूर व्हाट हैपन, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं, तुम कैसे आ गई? तो मैंने कहा निकाल के आ गई, यहाँ वो टेप लगा हुआ था। तो सिंसेरिटी की स्टुपिडिटी थी वो, बेवकूफी की हद तक सिंसेर हो जाना भी बेवकूफी है। नूर अपने काम में न केवल ईमानदार है बल्कि बहुत ज्यादा ईमानदार है। न दिन की खबर न रात का पता, बस काम काम और काम। हो सकता है कि आज उसे लगता हो कि वो मेहनत कुछ हद तक खुद पर ज्यादती भी थी, लेकिन उसे तसल्ली भी होगी कि उसने ईमानदारी
मेहनत और लगन से अपना मकाम खुद बनाया। हालांकि उसकी परेशानियों का सिलसिला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जिस हॉस्टल में मैं रहती थी ना, उसमें वो था टाइम कि आप 10 o'clock पहुंच जाना चाहिए। तो अब हम ऑफिस से निकले, हमें बस नहीं मिली तो हम लेट हो गए, क्योंकि एक बस छूट गई। जब तक हम रीगल तक पहुंचे तब तक वो बस जा चुकी थी जिससे हम रोज़ाना सफ़र करते थे। उसके बाद एक घंटे के बाद आना था बस को, और बस में जब तक सवारियां ना भर जाएं बस वहां से चलती नहीं है, और हर रास्ते में भी रुकती रुकती चलती है। तो वो बस मुझे मिली और 10 बज गए और मैं रास्ते में ही थी। अच्छा, मोबाइल से मैं इन्फॉर्म जिनको करना चाहती थी, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। जब भी मैं ऑन करती थी तब तक मैं कॉल मिलाऊँ तब तक वो ख़त्म हो जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक कॉल किया अपनी फ्रेंड को कि मैं तो आज थोड़ा लेट हो रही हूँ, तो तुम वार्डन को बता दो कि वो जो है खोल के रखें, और क्योंकि एक इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता था अगर आप थोड़ा भी लेट हो रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट, ये आपको बताना होता था वार्डन को। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट वार्डन को मिला रही हूँ लैंडलाइन पे, तो वो मिल नहीं रहा नंबर और ये बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है, तो एक छोटी सी बात जल्दी से आपसे करना चाहती हूँ, आप ऐसे बोल दीजिए वार्डन को। खैर मैंने उनको ये मैसेज तो दे दिया और मैं 10:30 बजे पहुँची। अरे भैया गेट खोलिए। अरे मैडम जी गेट तो नहीं खुलेगा। क्यों? वार्डन मैडम का ऑर्डर है कि गेट नहीं खुलेगा। गेट नहीं खुलेगा? अरे मैंने अपनी सहेली से कहलवाया तो था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। हमको तो मालूम है, लेकिन क्या करें, वार्डन मैडम का स्पेशल ऑर्डर है कि गेट नहीं खोलना है। अजीब पागलपन है, क्या मैं सारी रात फुटपाथ पर सोऊंगी? क्या कहें मैडम जी, अब हली जी आ गई। मेरे को पागल बोला क्या? क्या मेरे को पागल बोला? हम उधर से सुनी। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप गेट खुलवाएं। मेरे को पागल बोले, वार्डन पागल होती तो कैसा चलेगा? आप समझ नहीं रही हैं। देखिए वैसे भी सच कहूँ तो मुझे आपकी, मेरा मतलब ये है कि आप जो भी कह रही है मैं कुछ समझ नहीं पाती। मैं अभी सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने अगर गेट नहीं खुलवाया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। वैसे नूर मैडम कहता सही रही हैं। चुप, ये मेरे को पागल बोलती और तुम बोलती गेट खोलने का, गेट बिल्कुल नहीं खोलने का। वार्डन पागल होती, वार्डन पागल होती तो कैसा चलेगा? लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला। तो क्या मेरे को पागल समझा है? मैं पागल होती, वार्डन पागल होती तो कैसा चलेगा? मैं तुम्हारा वार्डन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का। अभी तुम देर से आया है, कल को और लड़की लेट आएगा, नहीं चलेगा। टाइम इज ओवर। क्या टाइम इज ओवर? लेकिन मैंने तो पहले ही कहलवाया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। अब देखिए ना, अगर आपने गेट नहीं खुलवाया तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझती। मेरे को पागल बोलती, वार्डन पागल होती तो कैसा चलेगा? तुमको ऑफिस से जल्दी आने का, नहीं तो गेट से बाहर रहने का। इसने मुझे बोला था, मैं बिल्कुल भूल गई आपको बताना, इसके अंदर आने दीजिए प्लीज। खोलो, अगर पागल का नहीं बोलने का, वार्डन पागल होती तो कैसा चलेगा? दोबारा खोलो। जल्दी खोलो। आइए मैडम। हटिए। इसे नूर मैडम, वार्डन मैडम का सही है। हो गया, चल। साउथ इंडियन वार्डन थी, उनके आधी बातें समझ में नहीं आती थी हिंदी की, और आधी वो तो अपोजिशन ज़्यादा था उनका कि भाई नहीं आएंगी ये, तुम्हारे को आने के नहीं है अंदर के, कैसे जा सकती हो। खैर उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि अभी आप इनको नहीं आने देंगी, तो थोड़ी सी हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादा हो गए उनसे कि हम जो हैं फिर उन लोगों से बात कर लेंगे जो हॉस्टल चलाते हैं, वो लेडीज़ थी। फिर मैंने वो चीज़ बताई अपने उनको, क्या नाम है, बॉस को, कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ, आप मुझे जल्दी छोड़ दिया करिए। नूर जब भी आई है टाइम से लाती है, ड्राफ्टिंग प्रॉपर के लाती है, अगर वो आप सजेशन देते हो तो उसे अच्छी तरह पिकअप करके, एंड मैं तो ये फील करता हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जिस हिसाब से वो चल रही है अगले 10 साल में 12 साल में ही विल अर्न ए नेम, बहुत बढ़िया नाम कमाएगी लड़की। नूर की नज़र से देखा जाए तो शायद हम समझें कि नूर को कामयाबी हासिल करने का वो जुनून है जो हर चीज से बढ़कर था। जमाने बाद जब चेहरा बदल जाता है और पहचान धुंधली हो जाती है, तब भी नूर के चेहरे का नूर बना रहेगा, क्योंकि वो हर मुश्किल से खुद लड़कर और जीतकर आगे बढ़ी है। आज बतौर हाई कोर्ट की वकील उसकी अपनी पहचान है, और वो पहचान इसलिए है क्योंकि उसकी शिद्दत
उसे यहां तक ले आई है, यहां जहां उसका चेहरा भी मुस्कुराता है और उसकी फैमिली का भी। अब मुझे लगता है कि मेरी फैमिली बहुत खुश है कि हाँ भाई मैं जो भी कर रही हूँ, दे फील प्राउड ऑल्सो कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड खुद बहुत सक्सेसफुल भी हूँ, और उनको नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया मुझे बाहर भेज के। नूर दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत काम करती है, उनके वहाँ से डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, डिपार्टमेंट के रेगुलर मीटिंग चलती हैं। इनकी सिविल वर्क इंडिपेंडेंट बहुत है, आर्गूमेंट्स मैंने करते देखा, इंडिपेंडेंट हैंडल करते देखा, रिट पिटीशन है, डॉक्टर्स नेगलिजेंस केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, रेंट के ऊपर है, मैट्रिमोनियल के ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो वो हर एक कानून हर एक प्रॉपर तरीके से कर रही है। मैं 10-12-15 साल में अगर इसी स्पीड को पिकअप कर जाए तो शी कैन अर्न एनी नेम, शी कैन बिकम ए हाईकोर्ट जज इवन। प्रोफेशन के साथ साथ रिलीजन को नहीं छोड़ना चाहिए, रिलीजन आप उतना ही उसी तरह से फॉलो करिए जैसे आपको, अगर आप नॉर्मली अगर आप कुछ नहीं भी करते होते, या आप उन लिमिट्स में रहना चाहिए इंसान को कि जो आपके मजहब ने आपको सिखाया है या आप बचपन से जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो सब रहना चाहिए। प्रोफेशनली तो सुकून आपको, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा जब आप जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे भी, उस कामयाबी के पीछे भी ना आपका रिलीजन होता है। अगर आपको फेथ है, आपको मालूम है कि ये दुआ पढ़ने से ये होगा, मैं मानती हूँ बहुत, कुछ भी मैंने किया, कितना भी मेहनत की, स्ट्रगल किया, जिस भी तरह की बातें सुनी, चार तरह की बातें सुनी, पर मैंने उनके ऊपर उनको देख के डिस्करेज नहीं हुई। मैं जैसे आगे बढ़ गई हूँ, मुझे लगता है कि और भी लड़कियाँ मेरी तरह आगे बढ़ सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, सोसाइटी को बेटर कर सकती हैं, बेहतर बना सकती हैं, और ख़ुद अपने घरों को अच्छा कर सकती हैं और एक अच्छी सोसाइटी बना सकती हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए क्योंकि वो खुद अपने आप के लिए, एक तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, अपने डिसीजन ले सकती हैं, और अगर आप एक लेडी को पढ़ाते हैं तो आप पूरा एक ख़ानदान को पढ़ाते हैं, एक फैमिली को पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी हुई होती है तो वो जो फैमिली जो उसके पास फैमिली होती है वो अपने आप पढ़ जाती है, क्योंकि माँ जो है बहुत अच्छा पढ़ा सकती है अपने बच्चों को और वो आसपास के लोगों को भी अच्छी तालीम दे सकती है। बिला शक इस्लाम के नज़रिए से तालीम को बड़ी इज्जत फराहम है। ये सच है कि अगर एक लड़की तालीम हासिल करती है तो आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बनाने का हौसला भी हासिल करती है। बदलते दौर की तस्वीरों में खुद इंसान ने औरत और मर्द में फर्क कर दिया, लेकिन खुदा ने दोनों को बराबर के हुकूक दिए। सच है कि औरत को भी कमाने का हक है और अपने मुताबिक खर्च करने का भी हक है। للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 32 ہے، اور اس آیت میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ पता चला कि औरतें और मर्द दो चीजें इसमें सामने आई, एक तो दोनों को कमाने का हक है, यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की जो आजकल बात चल रही है और जो सवालात उससे जुड़े हुए उठाए जा रहे हैं, वो अल्लाह ने इसका फैसला कर दिया इस आयत के जरिए कि औरतें पूरी तरह आजाद और खुद मुख्तार हैं और उन्हें इसका इस्तेहकाक यानी अधिकार है कि वो अपनी कमाई कर सकती हैं और जो कुछ वो कमाएंगी उसमें उन्हीं का हिस्सा होगा, उन्हीं का एकाधिकार होगा, उन्हीं का इख्तियार होगा, उसमें कोई दूसरा जो है वो कब्जा नहीं कर सकता। और जो लोग के मुसलमान औरतों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर सवालात उठाते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मंशा बिल्कुल वाजे है। ये हमारी और आपके सोचने की चीज है कि हम अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक खुद जिंदगी गुजारने को तैयार हैं या नहीं, अमल करने को तैयार हैं या नहीं, और अपनी औरतों को वो हक जो अल्लाह ने दिया है देने को तैयार हैं या नहीं। मुझे इस कुरान शरीफ की इस आयत से काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और ये भी मेरा मोटिव है कि मैं अपनी अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट होके अपने लिए कमाऊं, और उस कमाई से मैं जो चाहूं आगे कर सक
कर सकूं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। और औरतों को मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि उनको पूरा हक इस्लाम ने दिया है कि वो खुद से कमा सकती हैं और अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। तारों की अंजुमन हो, हसरत की रात हो, उम्मीद की किरण हो, ख्वाबों की बात हो, आँखों में बसा लो अब कल का एक फसाना, हैं ख्वाब ये तुम्हारे, तुम इंसान के साथ हो। शफक, महताब, घटाएं, बारिश, रंग और फूलों को अपने ख्वाबों में देखना हर इंसान की तरह नूर को भी बेहद पसंद है। लेकिन इन सब से भी पहले नूरन नहर फिरदौसी ये चाहती है कि उसकी मेहनत और ईमानदारी बदस्तूर कायम रहे और आने वाला कल उसे इज्जत फराहम करे। मैं जज बनना चाहती हूँ। अभी मैं टेबल के इस साइड होती हूँ, मैं टेबल के उस साइड जाना चाहती हूँ।